हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू रमैस क्लासेस। हम कर रहे थे एलजेब्रा की 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। एग्जांपल चल रहे हैं 1.2 के। चलिए आगे देखिए, कंटिन्यू करते हैं। फिफ्थ एग्जांपल हमने कर लिया थे बीएससी फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन सिक्स देखिए। एग्जांपल सिक्स आपके पास है। Show that every square matrix can be expressed as a sum of Hermitian and skew Hermitian. ये आपको प्रूव करना है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स की सम में लिख सकते हैं, और मैट्रिक्स हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन होने चाहिए। ठीक है, जो लास्ट एग्जांपल आपने किया है फिफ्थ एग्जांपल, सेम टू सेम वहाँ पे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक थे, उसका हम सॉल्व एग्जाम्पल भी कर चुके हैं। एज इट इज़ ऐसा ही करना है, बस चेंज क्या है कंडीशन, सिर्फ हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन। कैसे किया था वो, हमने लिया था लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ए को आप क्या लिख सकते हो, टू से मल्टीप्लाई एंड टू से ही डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, वन बाय टू, टू ए को हमने लिखा ए प्लस ए, दिस इज इक्वल टू वन बाय टू। इसमें हम क्या करते हैं, ए थीटा ऐड कर देते हैं और ए थीटा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या था, अगर ए थीटा ट्रांसपोज कंजुगेट इक्वल टू ए के इक्वल आ जाता है, देन ए मैट्रिक्स हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है, और अगर ए थीटा इक्वल टू माइनस ए के इक्वल आता है तो वो हमारी स्क्यू हर्मिशियन होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सेपरेट करेंगे, वन बाय टू ए प्लस ए थीटा, इन दोनों को हम इकट्ठा ले लेते हैं, ए माइनस ए थीटा को सेपरेट करेंगे, वन बाय टू से मल्टीप्लाई कर देंगे ए माइनस ए थीटा। ठीक है, पीछे की जो आपने थ्योरम्स की थी उसमें हम कर चुके हैं कि a प्लस ए थीटा इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है, देन अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी हमारे पास ये कैसी रहेगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स रहेगी। ठीक है, सेम टू सेम हमने किया था कि a माइनस ए थीटा इज स्क्यू हर्मिशियन, और अगर इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, दिस इज ऑल्सो स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा, a प्लस ए थीटा हर्मिशियन, a माइनस ए थीटा स्क्यू हर्मिशियन। यहाँ पे इसको कंप्लीट प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि हम पीछे प्रूव कर चुके हैं, इसलिए दोबारा नहीं करवा रही। इसको हम ले लेते हैं, दिस फर्स्ट इज p मान लेते हैं, प्लस ये कंप्लीट पोर्शन हमने ले लिया q, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, वेयर p की क्या वैल्यू है, 1 बाय टू ए प्लस ए थीटा, सेम टू सेम q इज ऑल्सो 1 बाय टू ए माइनस ए थीटा। ठीक है, ये हमने लिख दिया एक मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए ये मैट्रिक्स हमारी कैसी है, ये हमने निकाल दी हर्मिशियन मैट्रिक्स, सॉरी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक नहीं, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमने निकाली हर्मिशियन, दिस इज ऑल्सो शो दैट स्क्यू हर्मिशियन, तो ये हमारे पास आ गया सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। अब आपको इसको यूनिक प्रूव करना पड़ेगा। हम कह रहे थे कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, वन एंड ओनली वन वे आएगा इसके अंदर, कि हम इसको ऐसे प्रूव करना है कि वन एंड ओनली वन वे होना चाहिए, वन वे वी कैन एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, तो इसको यूनिकनेस प्रूव करने के लिए हम लेट करके चलते हैं। अज्यूम कर लिया हमने लेट आर, ए को हम लिख लेते हैं आर प्लस एस। ए को हमने पहले तो फॉर्म में दिखा दिया पी प्लस क्यू में, पी इज अ हर्मिशियन, क्यू इज अ स्क्यू हर्मिशियन। दोबारा हमने ले लिया कि ए हमारे पास है आर प्लस एस के फॉर्म में। ठीक है, वेयर
आर हमारे पास कैसी है, हार्मेशन लेके चले हैं, हार्मेशन मैट्रिक्स, एंड एस इज स्क्यू हार्मेशन। ठीक है, अगर आर हार्मेशन मैट्रिक्स है तो आर इज टू पावर थीटा क्या आएगा, आर ही आ जाएगा, और एस अगर स्क्यू हार्मेशन है तो एस रेज टू पावर थीटा इज माइनस एस आ जाएगा। ओके, बोथ साइड थीटा अप्लाई कर देते हैं, आर प्लस एस थीटा, इसको ओपन करेंगे क्या आएगा, आर थीटा प्लस एस थीटा, आर थीटा की वैल्यू आर और एस थीटा की वैल्यू माइनस एस, दिस इज, तो ए थीटा, ए आपके पास यहाँ से आ जाएगा, ए रेज टू पावर थीटा इज आर प्लस एस। ओके, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, दिस इज थर्ड इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं फर्स्ट टाइम, तो एस से एस कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा ए प्लस ए थीटा। ओके, राइट हैंड साइड पे ऐड करोगे एस से एस कैंसिल, दिस इज टू आर, देन आर की वैल्यू आ जाएगी 1/2 ए प्लस ए थीटा। ठीक है, सेम टू सेम हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सेकेंड माइनस थर्ड, देन क्या आएगा, ए माइनस ए थीटा, दिस इज इक्वल टू, इसमें से ही माइनस करेंगे तो आर आर से कैंसिल और एस हमारा ऐड हो जाएगा 2s, एस की वैल्यू आ जाएगी 1/2 ए माइनस ए थीटा। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू किसकी थी, 1/2 ए प्लस ए थीटा, ये हमने p लिया था, और 1/2 ए माइनस ए थीटा हमने q लिया था, तो यहाँ से दिस इज इक्वल टू p एंड दिस इज इक्वल टू वापस से क्यों किया जाएगा, तो हम दो टाइप से लेके चले थे, ए को आर प्लस एस सेकेंड फॉर्म में हमने लिखा था, बट वापस हमारे पास क्या आ गया, आर हमारे पास इक्वल आ गया पी के और एस इक्वल आ गया क्यू के, दैट मीन्स जो हमारा एक्सप्रेसिबल जो वे है, ए इज इक्वल टू सम ऑफ हार्मेशन एंड स्क्यू हार्मेशन, दिस इज यूनिक। एग्जाम्पल 8th, एग्जाम्पल 7 आप इजीली कर सकते हो, जैसे हमने सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का किया था। 8th देखिए, फर्स्ट इफ ए इज हार्मेशन देन शो दैट आयोटा ए इज स्क्यू हार्मेशन। सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट का, ए इज हार्मेशन हमारे पास गिवन है, गिवन ए इज हार्मेशन, अगर हार्मेशन मैट्रिक्स है देन ए रेज टू पावर थीटा किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, प्रूव करना है हमें आयटा ए इज स्क्यू हार्मेशन, स्क्यू हार्मेशन, दैट इज आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, आयटा ए स्क्यू हार्मेशन, मतलब कि आयटा ए का अगर मैं थीटा अप्लाई करती हूँ तो माइनस आयटा ए आना चाहिए, ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। ठीक है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, मीन्स आयटा ए का हम थीटा ऑपरेट करते हैं, हमने थीटा में प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि अगर के कांस्टेंट कोई मल्टीप्लाई होता है और उसको हम थीटा अप्लाई कर रहे हैं, ट्रांसपोज कंजुगेट अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास आता है के कंजुगेट ए थीटा। ठीक है, तो इसको अब ओपन करेंगे तो आयटा कंजुगेट ए थीटा, आयटा कंजुगेट क्या हो जाएगा, माइनस आयटा जो कंजुगेट होता है वो साइन चेंज कर देता है, इंटू ए थीटा। ठीक है, हमें यहाँ से क्या करना था, आयटा ए, अब ए थीटा इज इक्वल टू ए गिवन है, इसकी वैल्यू रख देंगे तो माइनस आयटा ए, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो आयटा ए का थीटा लेके चले थे, माइनस आयटा ए के इक्वल शो कर दिया, दैट मीन्स आयटा ए इज स्क्यू हार्मेशन, स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स। ठीक है, एज इट इज हमें सेकेंड वाला प्रूव करना है, ए हमें स्क्यू हार्मेशन दे रखा है, अगर आप सेकेंड पार्ट देखते हो तो ए स्क्यू हार्मेशन है, तो ए रेज टू पावर थीटा माइनस ए के इक्वल हो जाएगा, ये हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, सेकेंड पोर्शन कर रहे हैं, आपको शो करना है कि आयटा ए हार्मेशन होगा, तो आयटा ए का थीटा अप्लाई कर देते हैं, आयटा ए को थीटा अप्लाई करेंगे तो आयटा कंजुगेट ए रेज टू पावर मतलब ए थीटा हो जाएगा, आयटा कंजुगेट इज माइनस आयटा, यहाँ पे साइन चेंज कर देगा और ए थीटा एज इट इज़। अब हमें पता है कि ए थीटा की वैल्यू माइनस ए है, क्यों, क्योंकि हमें गिवन है कि ए हमारा स्क्यू हार्मेशन है, तो यहाँ से वैल्यू हम रख देंगे, अप्लाई करेंगे यहाँ से आयोटा ए थीटा की जगह रखेंगे माइनस ए, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट,
नॉट दिस फर्स्ट. ओके, तो ये फर्स्ट इक्वेशन से हम अप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस आयटा ए. तो आयटा ए का हमने थीटा लिया, थीटा अप्लाई किया, आयटा ए ही आ गया. इम्प्लाइज दैट आयटा ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स. That's proof. Next example, every square matrix A can be expressed in one and only one ways as P plus iota Q, where P, Q are Hermitian matrix. कोई भी square matrix A given है उसको आप इस form में express कर सकते हो, but unique prove करना होगा, और जहाँ पर P और Q आपके पास Hermitian matrix given है. चलिए देखिए solution. A हमने मान लिया हमारी square matrix है, A को वही same to same 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ए प्लस ए कर सकते हैं इसको. यहाँ पे हमने क्या किया, ए प्लस ए, ए थीटा ही ऐड कर देंगे और ए थीटा ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे. इसको हम सेपरेट कर सकते हैं 1/2 ए प्लस ए थीटा प्लस 1/2 ए माइनस ए थीटा. ठीक है, अब हमें इसकी फॉर्म बनानी है पी प्लस आयोटा क्यू के फॉर्म में. अगर हम देखें यहाँ पे इसको हम P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, बट आयोटा तो हमारे पास आया नहीं, तो इसलिए हमें इसमें आयोटा करना पड़ेगा. यहाँ पे एडजस्ट 1 प्लस जो सेकंड आपके पास टर्म है इसमें मैं आयोटा मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, और डिवाइड भी कर देती हूँ. तो यहाँ से क्या बन जाएगा, प्लस आयोटा जो मल्टीप्लाई किया मैंने वो आयोटा इंटू 1/2 आयोटा ए माइनस ए थीटा. ठीक है, तो यहाँ से हमने जो लिया ये बन जाएगा दिस प्लस दिस मैट्रिक्स. तो इसको हम पी मान अज्यूम कर लेंगे और इसको हम क्यू अज्यूम कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा पी प्लस आयोटा क्यू. दिस इज पी प्लस आयोटा क्यू, वेयर पी इज, पी क्या है यहाँ पे आपके पास, पी मैट्रिक्स है 1/2 ए प्लस ए थीटा, एंड क्यू मैट्रिक्स होगी 1/2 आयोटा ए माइनस ए थीटा. ओके, अब हमें ये बोला गया है कि P और Q हर्मिशियन मैट्रिक्स होने चाहिए, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा क्या ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है. तो निकालिए, बोथ साइड थीटा अप्लाई कर लेते हैं. P थीटा इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए थीटा. कैसे ओपन करते हैं, जो कांस्टेंट होता है उसका कंजुगेट होता है, दिस इज द रियल क्वांटिटी, ठीक है, तो इसका कंजुगेट यही आ जाएगा. थीटा अप्लाई करेंगे तो प्लस है तो सेपरेट हो जाएगा आपके पास ए थीटा प्लस ए थीटा का थीटा, 1/2 ए थीटा, ए थीटा का थीटा अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो ए ही आ जाता है वापस. तो ये आ गया आपके पास 1/2 ए प्लस ए थीटा. ठीक है, वही आपके पास पी मैट्रिक्स आ गई, किसके इक्वल आया, पी के इक्वल. दैट मीन्स पी का थीटा हमने अप्लाई किया, पी ही आ गया. इम्प्लाइज दैट पी आपके पास कैसी है, दिस इज द हर्मिशियन मैट्रिक्स. ओके, सेम टू सेम तरीके से हमें क्यू को चेक करना पड़ेगा. थीटा अप्लाई करेंगे, ये हमारे पास क्यू गिवन है, थीटा अप्लाई करते हैं, दिस इज 1/2 आयटा ए माइनस ए थीटा, और इधर भी हमने थीटा अप्लाई कर दिया. ओके, जैसे ही आप यहाँ पे थीटा अप्लाई करते हो, यहाँ पर आपके पास रियल क्वांटिटी थी एज इट इज़ आ गया था, कंजुगेट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आयोटा है तो इसका कंजुगेट लेते हो तो माइनस 1/2 आयोटा आ जाएगा. आयोटा का कंजुगेट ये प्रॉपर्टी होती है ए रेज टू पावर थीटा के इंटू, इसका ओपन करते हो तो कॉन्स्टेंट का कंजुगेट हो जाता है ए थीटा आ जाता है. ठीक है, तो इसका कंजुगेट माइनस आयोटा आ जाएगा और यहाँ पे ए माइनस ए थीटा का थीटा कंप्लीट हो गया ना. दिस इज इक्वल टू माइनस 1/2 आयटा ए थीटा माइनस ए थीटा का थीटा, माइनस 1/2 आयटा ए थीटा माइनस ए थीटा का थीटा, वापस ए बन जाता है. माइनस कॉमन निकालेंगे इसमें से, तो माइनस हमारे पास ऑलरेडी है, एक माइनस यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 आयटा ए माइनस ए थीटा. देखिए यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा. ठीक है, और ये किसके इक्वल आ गया वापस, क्यू के इक्वल, क्योंकि क्यू मैट्रिक्स हमारी यही थी. तो क्यू का हमने थीटा अप्लाई किया, क्यू ही आ जाता है. इम्प्लाई दैट क्यू इज हर्मिशियन मैट्रिक्स. तो हमने क्या किया, स्क्वायर मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स,
यहाँ पे लिख दिया किस फॉर्म में, p प्लस आयोटा क्यू की फॉर्म में, और p और q हमने शो कर दिया कि हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब आप इसको जो यूनिकनेस प्रूव करनी है, वन एंड ओनली वन वे आप कर सकते हो, तो यूनिकनेस जैसे कैसे प्रूव करोगे, ये रफ कर देते हैं। यहाँ से a हमारे पास आया है p प्लस आयटा क्यू की फॉर्म, ठीक है। लेट a को हम अदर देन फॉर्म में लिख सकते हैं, r प्लस आयटा s की फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखा, वेयर r एंड s आर हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि p और q हमने हर्मिशियन प्रूव कर दिया था। हम कह रहे हैं कि a को हम जिस तरह से ये फॉर्म बनाई दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहाँ पे r और s हर्मिशियन होंगे। अगर r और s हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं तो r रेज टू पावर थीटा इज r एंड s रेज टू पावर थीटा इज s, का थीटा लेंगे तो s आ जाएगा, ठीक है। इस पे थीटा अप्लाई कर दीजिए, थीटा दिस इज r प्लस आयोटा s थीटा, सेपरेट कर सकते हैं r थीटा प्लस आयोटा s थीटा, थीटा अप्लाई करेंगे r थीटा, अगर हम ओपन करेंगे तो आयोटा का कंजुगेट हो जाएगा माइनस आयोटा s थीटा। देखिए आयोटा का जब आप थीटा ओपन करते हो तो कंजुगेट अप्लाई हो जाता है, और आयोटा का कंजुगेट किसके इक्वल होता है, आयोटा कंजुगेट माइनस आयोटा के इक्वल होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस आयोटा, दिस इज r थीटा इज r, s थीटा इज s, तो ये आ जाएगा r माइनस आयोटा s, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। अब सेकेंड और थर्ड से हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हमारा इक्वल टू a थीटा चल रहा है, दिस इज द थर्ड इक्वेशन, r और s की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक बार दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 प्लस 3 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a प्लस a थीटा इज इक्वल टू r प्लस r, और ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा आयोटा s, 2r, r की वैल्यू आ गई 1 बाय 2 a प्लस a थीटा, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू किसकी थी, ये वैल्यू हम लेके चले थे p की, p प्लस आयोटा क्यों लिया था, हमारे पास p की वैल्यू दिस इज, एंड q की ये थी, ठीक है, तो p आपके पास आ गया, r की वैल्यू दिस इज इक्वल टू p, सेम टू सेम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सेकेंड माइनस 3, तो सेकंड इक्वेशन में से 3 माइनस करेंगे तो a माइनस a थीटा, इसको माइनस करोगे तो r से r कैंसिल, ये प्लस का हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा 2 आयोटा s, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास a माइनस a थीटा, r कैंसिल होके उधर बन जाएगा 2 आयोटा s, s की वैल्यू निकालते हैं तो s इज इक्वल टू 1 बाय 2 आयोटा डिवाइड में चला जाएगा a माइनस a थीटा, और ये वैल्यू हमने क्या ली थी यहाँ से, q ली थी, देखिए q की ये वैल्यू आई थी हमारे पास, ठीक है, तो s की वैल्यू इज इक्वल टू वापस क्यों आ रहा है, तो हमने क्या किया था, दूसरी फॉर्म ली थी सेम टू सेम इसी तरह से कि हम इसको दूसरी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं अदर देन आर ओ एस हर्मिशन मैट्रिक्स लेके, लेकिन आर की वैल्यू हमारे पास वापस पी आ रही है एंड एस की वैल्यू क्यों आ रही है, दैट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन होगी दिस इज द यूनिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल 10, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ पी प्लस आयोटा क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर हर्मिशन मैट्रिसेस, और ए मैट्रिक्स आपके पास ये गिवन है, तो आपको करना क्या है, इस ए मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लेके आना है पी प्लस आयोटा क्यू, जहाँ पे पी और क्यू कैसे मैट्रिक्स होने चाहिए, हर्मिशियन। अभी हमने इसके आर्टिकल में किया था कि ए को हम लिख सकते हैं 1 बाय 2 ए प्लस ए थीटा प्लस आयोटा 1 बाय 2 आयोटा ए माइनस ए थीटा, ये हमने लिया था, ये मैट्रिक्स हमने पी ली थी प्लस आयोटा एज इट इज़, और ये कम्प्लीट हमने क्यू मैट्रिक्स ली थी, ठीक है। तो यहाँ से जो आप पी और क्यू निकाल सकते हो मैट्रिक्स, p कैसे निकाल सकते हो, p की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय 2 a प्लस a थीटा एंड q की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय 2 आयोटा a माइनस a थीटा। तो सबसे पहले तो आपको a थीटा निकालना पड़ेगा, a थीटा क्या होता है, a थीटा इज इक्वल टू a ट्रांसपोज का कंजुगेट, तो ये कहाँ से निकालेंगे, a मैट्रिक्स दे रखी है, पहले इसका आप करोगे ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या होता है, जो इमेजिनरी पार्ट होते हैं उनके साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, फिर उसका करोगे आप कंजुगेट, वो ए थीटा की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम उसको ए मैट्रिक्स में ऐड कर देंगे, ठीक है, इजी सॉल्यूशन है। क्यू की वैल्यू भी सेम टू सेम, ए थीटा निकाल के ए में से माइनस करेंगे देन उसको डिवाइड कर देंगे टू आयोटा से, तो आपको करना क्या है, लास्ट में पी की वैल्यू मिल जाएगी, क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, सिर्फ आपको यहाँ पर पुट करना है पी
की वैल्यू ऐड नहीं करना, आयोटा से मल्टीप्लाई नहीं करना है क्यू मैट्रिक्स को, केवल यहाँ पे लिख देना है पी की वैल्यू, जो भी मैट्रिक्स आएगी ए इज इक्वल टू दिस इज पी प्लस आयोटा, और जो क्यू की मैट्रिक्स इसको सॉल्व करने के बाद आएगी, ठीक है। सॉल्यूशन इजी है, ए थीटा निकालेंगे, ए में ऐड करेंगे, टू से डिवाइड करेंगे, पी की वैल्यू आ जाएगी। सेम टू सेम ए माइनस ए थीटा करेंगे, टू आयोटा से डिवाइड करेंगे, क्यू की वैल्यू आ जाएगी। एग्जाम्पल 11, शो दैट बी थीटा ए बी इज हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन अकॉर्डिंग एज ए इज हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन। कहता है कि अगर आपके पास ए हार्मिशियन मैट्रिक्स है, हार्मिशियन, देन आपको प्रूव करना है, प्रूव करना है कि बी थीटा ए बी भी हार्मिशियन मैट्रिक्स हो गए, ठीक है। तो इसको हार्मिशियन प्रूव करेंगे तो हम इसका थीटा लेके चलते हैं, बी ए बी कंप्लीट थीटा। ओपन कैसे करते हैं, लास्ट से शुरू होती है, बी थीटा ए थीटा बी थीटा का थीटा, ओके। देन ए आपके पास क्या दे रखा है, ए आपके पास स्टार्टिंग में हार्मिशियन दे रखा है, अगर ए हार्मिशियन है तो ए थीटा इज इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए हार्मिशियन हमें गिवन है। दिस इज इक्वल टू बी थीटा, ए थीटा को हमने रख दिया ए, और बी थीटा का थीटा क्या होता है, बी होता है, तो इस मैट्रिक्स का हमने थीटा अप्लाई किया, यही आ गया, दैट मीन्स बी थीटा ए बी इज हार्मिशियन मैट्रिक्स। सेम टू सेम तरीके से आपके पास गिवन है कि अगर ए आपके पास स्क्यू हार्मिशियन गिवन हो, स्क्यू हार्मिशियन, तो आप प्रूव कीजिए, प्रूव करना है आपको बी थीटा ए बी इज ऑल्सो स्क्यू हार्मिशियन, ठीक है। तो ए अगर स्क्यू हार्मिशियन है तो ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा। देन इसको प्रूव करेंगे तो इसका हम थीटा अप्लाई करते हैं, बी थीटा ए बी थीटा लेके चलते हैं, रिवर्स ओपन होता है, बी थीटा ए थीटा बी थीटा का थीटा, बी थीटा ए थीटा की जगह रखेंगे माइनस से, क्योंकि हमारे पास स्क्यू हार्मिशियन गिवन है, और बी थीटा का थीटा बी हो जाता है, दिस इज माइनस बी थीटा ए बी, मैट्रिक्स का थीटा लिया माइनस ऑफ दिस आ गया, दैट मीन्स दिस इज स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। एग्जाम्पल 12, इफ ए एंड बी आर हार्मिशियन शो दैट ए बी प्लस बी ए इज हार्मिशियन। चार पार्ट आपको दे रखे, चारों प्रूव करने, सेकंड इज ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू हार्मिशियन, एंड दिस इज फर्स्ट पार्ट। देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं, ए बी प्लस बी ए इज हार्मिशियन, ये आपको प्रूव करना है, ओके। गिवन क्या है, ए एंड बी आर हार्मिशियन, अगर ए और बी हार्मिशियन है देन ए थीटा इक्वल टू ए हो जाएगा एंड बी थीटा इज इक्वल टू बी, बिकॉज ए बी आर हार्मिशियन मैट्रिक्स दे रखी है, फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। हमें प्रूव करना है यहाँ पे ए बी प्लस बी ए इज हार्मिशियन, ए बी प्लस बी ए इज हार्मिशियन मैट्रिक्स। इसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, इसका हम थीटा लेके चलेंगे, कंप्लीट ए बी प्लस बी ए थीटा, और ये इसी के इक्वल आ जाए, ए बी प्लस बी ए के इक्वल आ जाए, ठीक है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, ए बी प्लस बी ए थीटा, इसको सॉल्व करोगे ए बी थीटा, ए बी का अलग बी ए का अलग हो जाता है, प्लस बी ए थीटा, ओके। ए बी थीटा इस ओपन करेंगे तो बी थीटा ए थीटा, प्लस इधर से ओपन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई होगा यहाँ पे, ए थीटा इंटू बी थीटा, ठीक है। क्योंकि हमें ए थीटा ए दे रखा है, बी थीटा बी दे रखा है, तो हम इसका यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, बी थीटा हो जाएगा बी, ए थीटा हो जाएगा ए, प्लस ए बी, ठीक है। एडिशन में कम्यूट करती है मैट्रिसेस, ए बी प्लस बी ए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने ए बी प्लस बी ए का थीटा लेके चले थे, वही मैट्रिक्स हमने निकाल दी, इम्प्लाइज दैट ए बी प्लस बी ए इज हार्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। सेकंड देखिए, ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू हार्मिशियन, ये आपको प्रूव करना है, तो सेकंड ए बी माइनस बी ए
ये स्क्यू हार्मेशन प्रूव करेंगे तो हम इसका थीटा लेके चलेंगे. दिस इज, ओपन कर लेते हैं, ए बी थीटा माइनस बी ए थीटा. ए बी थीटा ओपन करेंगे, बी थीटा ए थीटा माइनस ए थीटा इंटू बी थीटा. बी थीटा और ए थीटा की वैल्यू फिर से हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे. इसकी वैल्यू दे रखी है हमारे पास बी, और ए थीटा इक्वल टू ए माइनस ए इंटू बी. यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ए बी प्लस हो जाएगा और बी ए माइनस का हो जाएगा. ए बी माइनस बी थीटा का हमने ट्रांसपोज कंजुगेट लिया, वही उसी के माइनस के इक्वल आ गया. दैट मीन्स ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू हार्मेशियन. ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए इसका. बी ए बी एंड ए बी ए आर हार्मेशियन. बी ए बी थर्ड पार्ट, सबसे पहले हम लेके चलते हैं बी ए बी. इसको आपको शो करना है हार्मेशियन मैट्रिक्स होना चाहिए, तो हम इसका थीटा लेके चलेंगे. बी ए बी थीटा ओपन कैसे करेंगे, लास्ट से शुरू होता है, बी थीटा ए थीटा बी थीटा. ठीक है, बी थीटा ए थीटा एंड बी थीटा. बी थीटा किसके इक्वल, बी. ए थीटा इज ए एंड बी थीटा इज बी. यहाँ पर लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, तो बी ए बी थीटा का हमने सॉल्व किया, बी ए बी आ गया. इसका मतलब बी ए बी ये मैट्रिक्स जो आपके पास बनेगी हार्मेशियन मैट्रिक्स, सेम टू सेम आप इसको प्रूव कर सकते हो. फोर्थ पार्ट आपके पास गिवन है, ए बी हार्मेशियन इफ एंड ओनली ए बी इक्वल टू बी होगा. अगर ए बी आपके पास हार्मेशियन गिवन है तो ये कंडीशन प्रूव करेंगे, और कंडीशन गिवन है तो हम ए बी को हार्मेशियन प्रूव करेंगे. चलिए देखिए, स्टार्टिंग में हम लेकर चलते हैं कि हमारे पास ए बी इज हार्मेशियन मैट्रिक्स. अगर हार्मेशियन है देन ए बी थीटा इज इक्वल टू ए बी ही आ जाएगा. हार्मेशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमें प्रूव करना है, यहाँ से ए बी इक्वल टू बी आएगा, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है. ओके, चलिए ये वाली उठा के चलते हैं, ए बी थीटा इक्वल टू ए बी. क्योंकि ये हमें हार्मेशियन गिवन है तो ये हमारे पास होल्ड करेगी कंडीशन. इसको ओपन कर लेते हैं, बी थीटा ए थीटा इज इक्वल टू ए बी. और बी थीटा किसके इक्वल है, बी के, और ए थीटा ए के, क्योंकि ये हमें हार्मेशियन गिवन है. तो यहाँ से आ जाएगा बी की जगह पर, थीटा की जगह पर रख देंगे बी, ए थीटा की जगह पर रख देंगे ए. दिस इज इक्वल टू ए बी. ठीक है, तो ये कंडीशन हमें प्रूव करनी थी. यहाँ से इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए बी, इसको मैं इधर लिख लेती हूँ, इसको हम इंटरचेंज नहीं कर सकते, मैट्रिसेस कम्यूट नहीं करती हैं. ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू, सॉरी बी ए, ए बी इज इक्वल टू बी ए. ये स्टेप मैंने इधर लिख लिया, ये स्टेप इधर लिख लिया. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कंडीशन प्रूफ. नेक्स्ट हम करते हैं, हमारे पास गिवन होगा, कंडीशन हमारे पास होल्ड कर रही है, लेट ए बी इक्वल टू बी ए. ये हम लेके चलेंगे और प्रूव करेंगे यहाँ पे कि ए बी इज हार्मेशियन, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए बी. ये आपको प्रूव करना है. ठीक है, ये उठाते हम ए बी थीटा, ओपन करेंगे बी थीटा ए थीटा. बी थीटा की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से बी, और ए थीटा की ए. ये हमारे पास आ गया बी ए, ए बी का थीटा लिया हमने, बी आ गया. अब हम इसका यूज़ करेंगे जो कंडीशन हमारे पास गिवन है, दिस इज सेकेंड. तो यहाँ से लिखोगे आप फ्रॉम फर्स्ट से हमारे पास बी ए आ गया, और बी ए की जगह पे मैंने रख दिया ए बी, क्योंकि बी ए किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है. ये आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड. ठीक है, तो ए बी थीटा लिया, ए बी के ही इक्वल आ गया. दैट मीन्स मैट्रिक्स ए बी इज हार्मेशियन मैट्रिक्स. एग्जाम्पल 13, इफ ए इक्वल टू बी प्लस आयोटा सी. मैट्रिक्स ये रखिए, बी प्लस आयोटा सी इज हार्मेशियन, यानी ए मैट्रिक्स हमारे पास हार्मेशियन गिवन है. शो दैट ए थीटा ए, ए थीटा इंटू ए इज रियल इफ एंड ओनली बी एंड सी एंटी कम्यूट. देखिए, ए थीटा ए हमारे पास रियल शो करना है अगर बी और सी एंटी कम्यूट करते हैं. एंटी कम्यूट क्या होता है,
बी सी कम्यूट कैसे करेंगे जब हम इसको सी भी लिख देते हैं? एंटी का मतलब इसको नेगेटिव आना चाहिए, बी सी इक्वल टू माइनस सी बी के प्रूव करेंगे। तो अगर ए थीटा ए इज रियल, अगर रियल है तो हमें ये प्रूव करना है, और अगर ये कंडीशन है तो हमें ये कंडीशन प्रूव, ए थीटा ए को रियल प्रूव करना है। चलिए करते हैं। फर्स्ट आपके पास गिवन है कि ए इज हर्मिशियन, ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, देन ए थीटा इक्वल हो जाएगा ए के। इक्वेशन फर्स्ट, ए हमारे पास हर्मिशियन गिवन है, ठीक है। फर्स्ट हम ये लेके चलते हैं कि ए थीटा ए, इसको हम रियल प्रूव करना है, हम इसको ये कंडीशन होल्ड करवानी है, तो साथ साथ लेके चलेंगे दोनों। ए थीटा ए किसके इक्वल हुआ, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम ए थीटा की, यहाँ से ए वैल्यू उठा के, तो ए इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन कब आएगी, इफ़ एंड ओनली इफ, ये आ जाएगा यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ए की वैल्यू रख देंगे यहाँ से बी प्लस आयोटा सी, यहाँ पर भी ए की वैल्यू रख देंगे बी प्लस आयोटा सी, दिस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लेंगे बी बी इंटू बी प्लस आयोटा बी, और आयोटा ही कर लीजिए आयोटा सी बी, सी बी इसको बी सी नहीं लिख सकते हम, आयोटा सी बी प्लस बी की और आयोटा सी की करेंगे आयोटा बी सी, और आयोटा आयोटा स्क्वायर सी इंटू सी, इसको लिख लेते हैं बी स्क्वायर प्लस आयोटा कॉमन निकाल के यहाँ से आ जाएगा सी बी प्लस बी सी, ठीक है। यहाँ से हम ए थीटा इंटू ए की वैल्यू निकाल रहे हैं, दिस इज, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस वन, दिस इज सी स्क्वायर। अब हमें ये प्रूव करना है कि ए थीटा इंटू ए हमारा रियल होना चाहिए, रियल का मतलब इसमें आयोटा नहीं आना चाहिए, अगर आयोटा नहीं आना चाहिए तो हमारी ये जो टर्म है ये ज़ीरो आनी चाहिए, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ए थीटा इंटू ए इज रियल, ये रियल कब आएगा जब हमारे पास ये जो कंडीशन है ये ज़ीरो हो जाए, यानी कि ये टर्म अगर जीरो हो जाएगी तो आयोटा ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ रियल इफ़ एंड ओनली इफ सी बी प्लस बी सी इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, अगर ये हम जीरो ले लेते हैं तो हमारा ए थीटा इंटू ए रियल आ जाएगा। इफ़ एंड ओनली इफ सी बी इक्वल टू माइनस बी सी के आ जाए, माइनस को इधर ले सकते हो, बी सी इक्वल टू माइनस इधर शिफ्ट कर देंगे सी बी, तो ये आ जाएगा हमारे पास जो प्रूव करना था, बी सी इक्वल टू माइनस सी बी, देन ये क्या हो जाएगा एंटी कम्यूट, बी एंड सी एंटी कम्यूट, ये एंटी कम्यूट करेंगे तब ए थीटा इंटू ए हमारा रियल आएगा। एग्जाम्पल 14, प्रूव दैट एवरी हर्मिशियन मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए इक्वल टू बी प्लस आयोटा सी। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स ए को हम लिख सकते हैं बी प्लस आयोटा सी, जहाँ पे बी मैट्रिक्स दे रखा है रियल एंड सिमेट्रिक होना चाहिए और सी मैट्रिक्स रियल एंड स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, देखिए कैसे करेंगे, ए आपके पास हर्मिशियन मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। एक रिजल्ट देखते हैं, इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मैं जेड को ही कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेती हूँ, तो जेड को मैंने ले लिया कॉम्प्लेक्स है तो आयोटा का यूज होगा, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी ले लेते हैं, ठीक है। देन जेड कॉन्जुगेट निकालेंगे तो a प्लस आयोटा बी कॉन्जुगेट, दिस इज इक्वल टू a माइनस आयोटा बी, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन ऐड कर लेते हैं दोनों को, z प्लस z कॉन्जुगेट दिस इज 2a, आयोटा बी से आयोटा बी कैंसिल हो जाएगा, देन a आ जाएगा आपके पास a इज 1 बाय टू z प्लस z कॉन्जुगेट, ठीक है। सेम टू सेम तरीके से देखें, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू b की वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, दोनों को माइनस कर देंगे तो z माइनस z कंजुगेट, यहाँ से a से कैंसिल हो जाएगा, इधर आपके पास ये माइनस का हो जाएगा, ये बचेगा 2 आयोटा b, ओके। देन b
इज इक्वल टू 1/2 आइटा जेड माइनस जेड कंजुगेट। यहाँ से हम बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चलते हैं जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में, ए और बी कैसे होते हैं यहाँ पे, ए और बी नंबर ये हमारे रियल नंबर होते हैं, समझ गए, ए और बी हमारे रियल नंबर होते हैं। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि हम अगर ए की वैल्यू निकालते हैं तो हमारी रियल क्वांटिटी आती है। ए हमारा क्या कैसा नंबर है, रियल, देन दिस इज ऑल्सो रियल, ये रियल हो गया। बी हमारा कैसा नंबर है, रियल, देन इसकी वैल्यू जो भी निकल के आई दिस इज ऑल्सो रियल, ठीक है। तो ए और बी हमारे पास रियल बने किस फॉर्मूले में, 1/2 जेड प्लस जेड कंजुगेट एंड 1/2 आयोटा जेड माइनस जेड कंजुगेट। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका हम यूज़ करेंगे। हमें गिवन है ए हमारी हार्मेशन मैट्रिक्स है, देन ए हार्मेशन मैट्रिक्स है, तो यहाँ से इस रिजल्ट से इसका यूज़ करके हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 ए प्लस ए कंजुगेट। ए जो मैट्रिक्स गिवन है हमें, दिस इज मैट्रिक्स 1/2 ए प्लस ए कंजुगेट एंड 1/2 आयोटा ए माइनस ए कंजुगेट, बोथ आर रियल, दोनों हमारे पास रियल हैं, दिस एंड दिस, ओके। तो ए को हम जो पीछे करते आ रहे हैं 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, देन नेक्स्ट टाइम इज ए, 2 ए को लिख दिया हमने ए प्लस ए, इसमें ए कंजुगेट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ए कंजुगेट ऐड कर देंगे और इनको हम सेपरेट कर लेंगे, 1/2 ए प्लस ए कंजुगेट को अलग कर लेंगे, ए प्लस ए कंजुगेट एंड 1/2 ए माइनस ए कंजुगेट, 1/2 ए माइनस ए कंजुगेट, ठीक है। अब हमें ए को किस फॉर्म में लिखना है, बी प्लस आयोटा सी के फॉर्म में। अब यहाँ पे हमारे पास आयोटा है नहीं, तो हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और आयोटा से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 ए प्लस ए कंजुगेट प्लस आयोटा, दिस इज 1/2 आयोटा ए माइनस ए कंजुगेट, ठीक है। तो ए को हमने लिख दिया दिस प्लस दिस के फॉर्म में। इस मैट्रिक्स को हम ले लेते हैं बी प्लस आयोटा, इस मैट्रिक्स को ले लेते हैं सी। अब हमारे अभी ऑलरेडी हमने बी और सी को रियल तो यहाँ से ही प्रूव कर दिया था, क्योंकि हमें जो बी और सी चाहिए वो रियल सिमेट्रिक और रियल और स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है। तो यहाँ से हमने रियल तो पहले ही प्रूव कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट। अब हमें बी और सी को जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना पड़ेगा। चलिए देखिए, वेयर ए को हमने लिखा है बी प्लस आयोटा सी की फॉर्म में, जहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो 1/2 ए प्लस ए कंजुगेट एंड सी की वैल्यू आएगी 1/2 आयोटा ए माइनस ए कंजुगेट। बी को हम सिमेट्रिक प्रूव करेंगे यहाँ पे, तो ए ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल आ जाए तो ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। सेम टू सेम यहाँ पे हम बी का लेते हैं ट्रांसपोज, 1/2 ए प्लस ए कंजुगेट और कंप्लीट का ट्रांसपोज, बोथ साइड हमने ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको ओपन करेंगे 1/2, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और इस पे आपके पास ट्रांसपोज ए प्लस कंजुगेट का ट्रांसपोज ये आ जाएगा। हम इसको अंदर लेके जाएंगे तो ए का अलग हो जाएगा, ए कंजुगेट का अलग से ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। अब ए थीटा किसके इक्वल होता है, ए थीटा इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का कंजुगेट, ये रिजल्ट होता है हमारे पास। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, या ए ट्रांसपोज का कंजुगेट का ट्रांसपोज को हम लिख देते हैं ए थीटा, दिस इज इक्वल टू 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस ए थीटा, ठीक है। नाउ 1/2, अब हमें गिवन था कि ए हमारे पास हार्मेशन मैट्रिक्स है, और अगर हार्मेशन मैट्रिक्स है तो ए रेज टू पावर थीटा इज इक्वल टू ए। इस रिजल्ट का यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, दिस इज ए ट्रांसपोज, यहाँ पे भी ए की वैल्यू और यहाँ पे भी ए की वैल्यू, ए थीटा की वैल्यू, हम इस रिजल्ट का यूज़ करेंगे, दोनों वैल्यू पुट करेंगे, देखना कैसे। ए की जगह पे मैंने रख दिया ए थीटा, ए की वैल्यू है ए थीटा, तो यहाँ से हमने रख दिया ए थीटा और बाहर चल रहा है इसका ट्रांसपोज, ठीक है। यहाँ पे ए थीटा की को रिप्लेस कर दिया ए से, क्यों, क्योंकि ए थीटा इक्वल टू ए गिवन है हमें। 1/2 ए थीटा किसके इक्वल होता है, ए
कंजुगेट का ट्रांसपोज और एक ट्रांसपोज ऑलरेडी हमारे पास यहाँ चल रहा है। ए थीटा को मैंने ब्रेक किया ए कंजुगेट ट्रांसपोज में, ठीक है, और एक ट्रांसपोज हमारा यहाँ चल रहा है प्लस ए एज इट इज। नाउ एक रिजल्ट होता है ट्रांसपोज में, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए मैट्रिक्स ही आ जाती है। तो यहाँ से देखेंगे तो ए कंजुगेट का ट्रांसपोज हो रखा है, ये हमारे पास अब एक मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1/2 ए कंजुगेट, ये कि ये मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी क्योंकि डबल ट्रांसपोज वापस वही मैट्रिक्स दे देता है प्लस ए, ठीक है। इसको हमने लिखा 1/2 ए माइनस ए कंजुगेट, सॉरी ए प्लस, मैं ए को इधर रख दिया, ए कंजुगेट को इधर रख दिया, और ये किसकी इक्वल है, बी की वैल्यू देखो यहाँ से, दिस इज इक्वल टू बी। तो हमने यहाँ से शो किया कि हमने बी का ट्रांसपोज लिया और बी के ही इक्वल आ गया, दैट मीन्स बी आपके पास कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। तो बी का तो पूरा काम कंप्लीट हुआ, बी हमने यहाँ से रियल प्रूव कर दिया था और यहाँ से हमने सिमेट्रिक प्रूव कर दिया। सेम टू सेम सी को आपको यहाँ पे सिमेट्रिक प्रूव करना है। देखिए सी मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 1/2 आयटा ए माइनस ए कंजुगेट जो हमने यहाँ से निकाली है, ठीक है। अब हमें इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हमें इसका ट्रांसपोज लेके चलना पड़ेगा 1/2 आयटा ए माइनस ए कंजुगेट और कंप्लीट का ट्रांसपोज, ठीक है। देन अगर हम ट्रांसपोज ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है के 1/2 आयटा, ये तो कांस्टेंट हो गया और मैट्रिसेस का हो जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए कंजुगेट का ट्रांसपोज। सेम टू सेम स्टेप है, 1/2 आयटा ए ट्रांसपोज माइनस ए कंजुगेट ट्रांसपोज क्या बनता है, ए थीटा बनता है, ठीक है। फिर से हम रिजल्ट अप्लाई करेंगे, ए थीटा इज इक्वल टू ए, ए की जगह पे रखेंगे ए थीटा और ए थीटा की जगह पे रिप्लेस करेंगे ए को, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/2 आयोटा दिस इज इक्वल टू ए डैश, ए की जगह पे हमने रखा ए थीटा और इसका ट्रांसपोज बाहर चल रहा है और ए थीटा की जगह पे हम रखते हैं माइनस ए थीटा की जगह पे हमने ले लिया ए, समझ गए, ये हमने यूज़ किया इस रिजल्ट का। देन 1/2 आयटा ए कंजुगेट, इसको ओपन कर लेंगे, ए कंजुगेट का ट्रांसपोज और एक इसका ट्रांसपोज हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, और माइनस ए हमारे पास यहाँ से एज इट इज़ 1/2 आयटा ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, ए कंजुगेट माइनस ए, वापस से भी मैट्रिक्स आ जाएगी माइनस ए, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे 2 आयटा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ए कंजुगेट नेगेटिव हो जाएगा और ये वैल्यू किसकी थी आपके पास, सी की वैल्यू, तो माइनस सी ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो हमने क्या किया था, सी का ट्रांसपोज लेके चले थे, इक्वल टू माइनस सी शो कर दिया, तो सी डैश इज इक्वल टू माइनस सी, दैट मीन्स सी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही आपको प्रूव करना था कि सी रियल और स्क्यू सिमेट्रिक, रियल हमारी यहाँ से आ जाएगी और स्क्यू सिमेट्रिक हमने प्रूव कर दिया। एग्जाम्पल 15, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 3x3 इन द फॉर्म पी प्लस आयोटा क्यू, वेयर पी इज अ रियल सिमेट्रिक, क्यू इज अ रियल स्क्यू सिमेट्रिक। जो अभी हमने आर्टिकल किया है उसी बेस्ड क्वेश्चन है ये, ए मैट्रिक्स दे रखी है इसको आपको इस फॉर्म में डिराइव करना है, ठीक है, और पी हमारे पास रियल और सिमेट्रिक होना चाहिए, क्यू स्क्यू सिमेट्रिक और रियल होना चाहिए। ए मैट्रिक्स को हम लिख लेते हैं, सॉल्यूशन इज ए मैट्रिक्स को मैंने लिखा 2+0 आयोटा, 2 को मैं लिख देती हूँ 2+0 आयोटा, 2 ही रहेगा, नेक्स्ट दे रखा है 1+ आयोटा 2+3 आयोटा, 1- आयोटा 1+0 आयोटा यहाँ पे चेंज कर दिया मैंने माइनस आयोटा, 2-3 आयोटा आयोटा और 0+0 आयोटा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं मैट्रिक्स को, अगर प्लस है तो इसको हम दो मैट्रिक्स में चेंज कर सकते हैं, कैसे, 2 स्टार्टिंग के नंबर एडिशन में 2, 1, 2, नेक्स्ट में 1, 1 और इसमें रियल पार्ट नहीं है तो इसको हम 0 ले लेंगे, ठीक है। हमने क्या किया है, पहले नंबर की मैट्रिक्स अलग कर सकते हैं, ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं प्लस टू में, ये अब इसको दो मैट्रिक्स में चेंज कर सकते हो, एडिशन करेंगे वापस वही आ जाएगा 1, 1, 0 एंड 2, 0, 0।
ज़ीरो ज़ीरो प्लस टू में क्या ऐड हो रहा है, ज़ीरो आयोटा, तो यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो इंटू आयोटा। ठीक है, दिस इज़ वन में ऐड हो रहा है आयोटा, तो यहाँ पे आयोटा और यहाँ पे थ्री आयोटा। नेक्स्ट रो इज़ माइनस आयोटा, ज़ीरो आयोटा एंड माइनस आयोटा, और लास्ट इज़ माइनस थ्री आयोटा, आयोटा ज़ीरो आयोटा। ऐसे इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो वापस हमारी वही मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, इसको मैंने कैसे लिखा, इस मैट्रिक्स में से कंप्लीट में से आयोटा कॉमन ले लेते हैं। मैट्रिक्स में से आप कॉमन कैसे निकालते हो, हर एक नंबर से जाता है, यहाँ से भी आयोटा, यहाँ से भी, हर एक नंबर से आयोटा बाहर आएगा, तो आयोटा कॉमन लेंगे तो सबका आयोटा बाहर आ जाएगा, हर एक रो का आयोटा। तो यहाँ से हम आयोटा को रफ कर देते हैं, आयोटा बाहर आ गया तो वन बच जाएगा, दिस इज़ ये माइनस वन हो गया, दिस ये वन हो गया, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे माइनस वन एंड ज़ीरो, और आयोटा हमने ले लिया कॉमन। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास, इस मैट्रिक्स को मैंने नाम दिया P प्लस आयोटा, और इस मैट्रिक्स को नाम दे दिया Q। अब देखिए P मैट्रिक्स में कोई भी आयोटा की टर्म नहीं आ रही, देन P इज़ अ रियल। और Q मैट्रिक्स चेक करते हैं तो आयोटा तो हमारा बाहर आ गया, आयोटा हमने यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे Q जो आपके पास वो रियल मैट्रिक्स है, कोई आयोटा की टर्म नहीं है इसके अंदर, देन दिस इज़ द रियल मैट्रिक्स। कंजुगेट लेंगे तो आपके पास वही आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए मैट्रिक्स को लिख दिया पी प्लस आयोटा क्योंकि फॉर्म में, जहाँ पे पी एंड क्यू मैट्रिसेस, वेयर पी एंड क्यू आर रियल मैट्रिसेस। ठीक है, अब रियल तो हो गया, अब आपको सिमेट्रिक प्रूव करना है पी को और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर रहा है क्यू को, तो पी मैट्रिक्स यहाँ पे आप लेके चलोगे 2 1 2, ये है हमारी 2 0 0। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या प्रूव करते हैं, पी का हम लेंगे ट्रांसपोज, देन ट्रांसपोज अप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, तो इसका ट्रांसपोज ओपन करेंगे तो क्या आएगा, इस फर्स्ट रो इज अ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इज अ सेकंड कॉलम, थर्ड रो इज अ थर्ड कॉलम। देखिए वापस से वही मैट्रिक्स आ गई जो हमारी पी मैट्रिक्स थी, यही पी मैट्रिक्स थी हमारे पास, दिस इज पी मैट्रिक्स, और ये इसके इक्वल आ गया, तो पी डैश इज इक्वल टू पी, देन पी इज ए सिमेट्रिक। सेम टू सेम आप क्यू को शो करोगे, क्यू डैश लेके चलते हैं, क्यू मैट्रिक्स हमारे पास ये है 0 1 3 -1 0 -1 -3 1 0। ये वैसे दिख ही रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट जो है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, देन दिस इज सेम एलिमेंट बट साइन इनका ऑपोजिट होता है, तो इसका हम डैश लेके चलते हैं, यहाँ पे हम ट्रांसपोज कर देना है, फर्स्ट रो कॉलम में चेंज, सेकंड रो इज सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो इज थर्ड कॉलम। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस कॉमन लेंगे तो हर एक नंबर का माइनस बाहर आ जाएगा, 0 एज इट इज़, 1 और 3 का माइनस बाहर निकाल लिया हमने, प्लस के हो गया, दिस इज माइनस 0 1, माइनस हो जाएगा ये भी, दिस इज माइनस 3 1 एंड 0, ये आ जाएगा। अब देखिए क्या ये वापस क्यू मैट्रिक्स इक्वल आ रहा है, ये हमारी क्यू मैट्रिक्स थी, देन क्यू ट्रांसपोज लिया हमने और इक्वल टू आ गया माइनस क्यू के इक्वल, दैट मीन्स क्यू इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमने ए मैट्रिक्स को पी प्लस आयोटा क्यू के फॉर्म में लिखा, जहाँ पे पी और क्यू दोनों रियल मैट्रिक्स हैं, और पी को हमने प्रूव किया सिमेट्रिक और क्यू को प्रूव किया स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये आपके पास सॉल्यूशन था, ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं 2.2 एक्सरसाइज के, मैट्रिसेस चैप्टर के, और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज सेकेंड।